हम सब अक्सर डेटा स्टोर करने के लिए सीडीज और डीवीडीज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैसे ये डेटा किसी सीडी या डीवीडी में स्टोर होता है और प्ले करने पर कैसे हमें इसमें स्टोर डेटा जैसे कि इमेज या साउंड का आउटपुट मिलता है। किसी सीडी या कॉम्पैक्ट डिस्क में तीन लेयर्स होती हैं। सबसे नीचे एक प्लास्टिक बेस की परत होती है, उसके ऊपर रिफ्लेक्टिव एल्यूमिनियम की पतली परत होती है और सबसे ऊपर स्टोर डेटा को डैमेज से बचाने के लिए एक्रेलिक या प्लास्टिक कोटिंग की एक परत होती है। किसी भी सीडी में साउंड या कोई भी डेटा डिजिटली स्टोर किया जाता है। जैसे कि किसी म्यूजिक को सीडी में स्टोर करने के लिए पहले एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र की मदद से म्यूजिक की साउंड को मापकर उसे नंबर्स में कन्वर्ट किया जाता है, जिसे सैम्पलिंग कहते हैं, और साउंड की इस इंफॉर्मेशन को जीरो और एक नंबर्स की सीरीज के पैटर्न में स्टोर किया जाता है, जिसे बाइनरी फॉर्मेट कहते हैं। मास्टर सीडी बनाने के लिए सीडी की सतह को एक लेजर किरण से बंद करके इस पर स्पाइरल ट्रैक में बहुत छोटे छोटे छेद बना दिए जाते हैं, जिन्हें पिट्स कहते हैं। सीडी बंद करने से बने पिट्स नंबर जीरो को रिप्रेजेंट करते हैं और सीडी ट्रैक का जो हिस्सा बंद नहीं किया जाता वो फ्लैट सतह की तरह ही रह जाता है, जिसे लैन कहते हैं, और ये नंबर एक को रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह लेजर किरण के द्वारा ओरिजिनल साउंड की सैंपलिंग से मिली जीरो और एक नंबर की सीरीज को मास्टर सीडी में बंद किया जाता है, जिससे बाद में बहुत सारी डुप्लीकेट कॉपीज बना ली जाती हैं। मास्टर सीडी में डेटा स्टोर करने के लिए लेजर किरण से बंद किए गए पिट्स इतने छोटे और पास पास बनाए जाते हैं कि इनकी गिनती लगभग 300 से 500 करोड़ तक होती है। सीडी प्ले करने पर सीडी प्लेयर में लगी इलेक्ट्रिक मोटर सीडी को 500 राउंड पर मिनट तक की हाई स्पीड पर घुमाना शुरू कर देती है। इसी के साथ सीडी प्लेयर में लगी हुई एक लेजर बीम से निकलने वाली लेजर किरण घूमती हुई सीडी की चमकीली सतह से टकराती है। जब ये लेजर किरण सतह पर बिना बंद किए गए फ्लैट लाइन पर पड़ती है तो रिफ्लेक्ट होकर फोटोशेल पर गिरती है। प्लेयर में लगा फोटोशेल एक इलेक्ट्रॉनिक लाइट डिटेक्टर होता है, जो हर बार सीडी से लाइट रिफ्लेक्ट होने पर सीडी पर बने लैंड को डिटेक्ट करके करंट को एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में भेजकर एक नंबर जनरेट करता है। जब लेजर किरण सतह पर बंद किए गए पिट्स पर पड़ती है तो रिफ्लेक्ट नहीं होती, जिससे फोटोशेल कोई लाइट डिटेक्ट नहीं करता है और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जीरो नंबर जनरेट करता है। इस तरह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट द्वारा सीडी में स्टोर जीरो और एक नंबर की सीरीज जनरेट होती है और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर जीरो और एक नंबर की इस बाइनरी फॉर्मेट को डिकोड करके इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट कर देता है। ये इलेक्ट्रिक करंट लाउडस्पीकर में जाकर साउंड में बदल जाता है, जिसे हम म्यूजिक की तरह सुन पाते हैं।